हाय गाइस, आज हम बनाएंगे मिक्सचर कुछ चीज़ों से, जैसे कि हम पोहा से लाई, ये जो मुर्रा होता है, और कॉर्नफ्लेक्स, थोड़े से मखाने, हरी मिर्च, मूंगफली, इन सब चीज़ों से हम मिक्सचर बनाएंगे। थोड़ा सा हम कुछ कुछ मसाले भी डालेंगे, तो बनाते टाइम मैं आपको बताती जाऊंगी क्या क्या डालना है। तो तैयारी करने के लिए हमें ये सारी चीज़ें इकट्ठा करनी पड़ती हैं, क्योंकि कुछ इसमें से हम फ्राई करके डालेंगे और कुछ हम सोलो फ्राई भी करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम कॉर्नफ्लेक्स को तेल में तल लेते हैं। कॉर्नफ्लेक्स तलने के लिए हमें तेल एकदम गरम चाहिए, हाई फ्लेम पे। तो हम एकदम गरम तेल है, मैंने पहले से ही रख दिया है। इसमें हम थोड़ा थोड़ा कॉर्नफ्लेक्स डाल के फ्राई कर लेंगे। तो देखिए, अगर एकदम गरम कढ़ाई रहती है तो इस तरीके से ये बहुत जल्दी फ्राई हो जाता है। अब हम इसको बाहर निकाल लेंगे। इसको हम थोड़ा देर इसी में छोड़ देंगे, ताकि देखिए तेल अभी भी निकल रहा है। तो हम इसको इसी में रख देंगे और मूंगफली को तल लेंगे। तो इसी तेल में हम इसको मूंगफली को भी डाल देंगे और इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे, जब तक ये थोड़ा सा भुन ना जाए। मूंगफली भी फ्राई हो गई है, तो हम इसको भी बाहर निकाल लेंगे। मूंगफली और पोहा को हमने फ्राई कर लिया है, सॉरी, मूंगफली और कॉर्नफ्लेक्स को हमने फ्राई कर लिया है। और अब पोहा को हम दो तरीके से डालेंगे। तो अभी आप अगर चाहें तो इस तरीके से भी डाल सकते हैं। देखिए, तेल में डाल के ये बहुत जल्दी वो हो जाता है फ्राई। इसको हमें ज़्यादा देर नहीं भूनना पड़ता है। और एक और दूसरा तरीका मैं आपको बताऊंगी, उसमें तेल थोड़ा कम लगता है। अगर आप ज़्यादा तेल खाना पसंद नहीं करते हैं तो आप उस तरीके से डालेंगे, वो भी तरीका मैं आपको अभी बता रही हूँ। इसको हम पहले बाहर निकाल लेंगे। पोहा को मैंने निकाल दिया है। अब मैं आपको एक और तरीका बताती हूँ, जिससे हम पोहा को और लाई को उसी तरीके से डालेंगे, तो मिक्सचर में ज़्यादा तेल नहीं दिखता है और अच्छा टेस्टी भी बनता है, हेल्दी भी रहता है। तो हम इसमें से बहुत सारा तेल निकाल देंगे बाहर, एकदम थोड़ा सा ही तेल हम रखेंगे इसमें। लगभग इसी चम्मच से, एक चम्मच तेल से भी कम, आधा चम्मच तेल मैंने इसमें डाला है। ये चम्मच आप देख सकते हैं, इसी चम्मच से हम आधा चम्मच तेल इसमें रहने देंगे। और अब हम इसमें पोहा को फ्राई कर लेंगे। तो हम इसमें थोड़ी सी हल्दी डालेंगे, एक चौथाई चम्मच हल्दी डाल देंगे, आधा चम्मच नमक डालेंगे, लाल मिर्च पाउडर, और थोड़ा सा हम इसमें चाट मसाला डालेंगे। और ये जो पोहा है हमारा, इसको हम इसमें डाल देंगे। पोहा को हम पहले अच्छे से छन्नी से साफ कर लेंगे, उसके बाद ही यूज़ करेंगे। और इस तरीके से हम इसको चलाते हुए तब तक भूनेंगे, जब तक कि ये एकदम क्रिस्पी ना हो जाए और ये पोहा जो है इस तरीके से टूटने लगेगा। मैं आपको बाद में दिखाऊंगी अभी भून के। ये देखिए, इसको मैंने इतना फ्राई कर दिया, लगभग मुझे 10 से 12 मिनट इसको भूनने में लगे हैं और ये एकदम क्रिस्पी हो गया है। आप देख सकते हैं इस तरीके से टूट जाएगा ये। तो यही चीज़ हमने ये तल के किए थे, ये देखिए। तो ये तल के भी वही चीज़ हुआ था सेम। तो ये चीज़ मैंने इसको कढ़ाई में थोड़ा सा तेल डाल के इस तरीके से चलाते हुए मैंने 10 से 12 मिनट भून लिया है। और ये पोहा जो मैंने लिया था, ये मैंने पेपर पोहा नहीं लिया था, जो हम आलू पोहा जो बनाते हैं खाने के लिए पोहा, वो पोहा था ये। पेपर पोहा अगर आप लेंगे तो उसको तो ज़्यादा नहीं भूनना पड़ता है, उसको हम थोड़ा सा ही भून के डाल सकते हैं और वो क्रिस्पी हो जाता है। तो अभी भून चुका है, तो अब इसको हम बाहर निकाल लेंगे। वापस से हम उसी कढ़ाई को फिर से रखेंगे। कढ़ाई काफ़ी जल चुकी है, तो हम इसको लिए मोटी कढ़ाई ही यूज़ करेंगे। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा ऑयल, लगभग आधा चम्मच। इसको हम गर्म होने देंगे और इसमें हम डालेंगे आधा चम्मच पहले जीरा डालेंगे हम। और अब हम इसमें डालेंगे ये जो हरी मिर्च हमने काट के रखी है, इसको डालेंगे हम। लगभग 3 से 4 हरी मिर्च मैंने काट के रखी है। थोड़ा सा मीठी नीम डालेंगे हम इसमें, मिर्ची को। और ये मीठी नीम को हम थोड़ा देर भून लेंगे, ताकि ये अच्छे से क्रिस्पी हो जाए और मीठी नीम भी एकदम खुरखुरी हो जाए। तब तक हम मसाले एक कटोरी में निकाल लेंगे। तो कुछ मसाले हम इसमें डालेंगे, जैसे कि नमक। तो नमक हमने पोहा में भी डाला है, तो हम उसी हिसाब से डालेंगे। तो थोड़ा सा आधा चम्मच ही नमक डालेंगे और आधा चम्मच हम इसमें हल्दी डालेंगे, एकदम थोड़ा थोड़ा डालेंगे, छोटी चम्मच ही है ये एकदम। लाल मिर्च थोड़ी सी डालेंगे,
लाल मिर्च, हरी मिर्च हमने डाली है काट कर, और अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा चाट मसाला, एक चौथाई चम्मच, और इसको भी हम इस मसाले को इसी कढ़ाई में डाल लेंगे और इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे लाई, तो ये मैंने अच्छे से साफ कर ली है, तो आप भी इसको साफ करके डालिए। थोड़ा सा किस किस टाइप की रहती है, तो उसको हम छन्नी से अच्छे से छान के निकाल लेंगे, और इसी में हम ये जो मखाने हमने रखे हैं कटोरी में लाकर निकाल के, इसको भी हम इसमें डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे दोनों चीज़ों को। इसको बस हमें मिक्स करना है अच्छे से, और इसको मखाने को मैंने पहले से ही थोड़ा सा माइक्रोवेव में रोस्ट कर लिया था, तो ये कुरकुरा है देखिए आप, इसको हमें ज़्यादा देर भूनने की ज़रूरत नहीं है, इसको हम बस थोड़ा देर ही भूनेंगे, लगभग 2 मिनट। इसको मैंने 3 से 4 मिनट इसी तरीके से चलाते हुए हाई फ्लेम पे भून लिया है, और ये हमारा देखिए मखाना भी काफ़ी क्रिस्पी है और लाई भी, तो इसको देख सकते हैं। अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे जिसमें मैंने सारी चीज़ें निकाल के रखी हैं। इन सारी चीज़ों को मैंने तल के निकाल लिया है, तो ये देख सकते हैं आप, ये कॉर्नफ्लेक्स, ये जो मैंने पोहा उसको मैंने थोड़ा सा तेल डाल के फ्राई किया था, और ये मूंगफली, और ये मैंने मखाने और मुर्रा जो हमने फ्राई किया था, और ये वो पोहा है जो मैंने डीप फ्राई किया था। तो इसमें हम थोड़ा थोड़ा नमक डालेंगे, क्योंकि इसमें मैंने बिल्कुल भी नमक नहीं डाला है, तो एकदम थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा चाट मसाला, और इतना ही नमक हम जरा सा एकदम कॉर्नफ्लेक्स में भी डालेंगे, क्योंकि कॉर्नफ्लेक्स में भी हमने नमक नहीं डाला है, और इसमें भी थोड़ा सा चाट मसाला डालेंगे। और अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे, उसके बाद इसको हम इसमें डालेंगे एक खास इंग्रेडिएंट्स, जिससे मिक्सचर और ज़्यादा टेस्टी हो जाएगा, तो इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये मैं सेव डाल रही हूँ इसमें, ये मैं खुद का बनाया हुआ सेव है, इसका वीडियो मैं पहले ही आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, तो इसको भी मैं इसमें डाल दूँगी, और हम इसको अच्छे से मिक्स करके, ये बहुत टेस्टी मिक्सचर बनता है, तो इसको आप एक बार बना के ज़रूर ट्राई करें। और इसको अच्छे से मिक्स करके हम किसी भी एयर टाइट डिब्बे में भर के इसको 15 दिन भी रख सकते हैं, टेस्ट में कोई अंतर नहीं आएगा। और देखिए थोड़ी थोड़ी चीज़ों से कितना सारा मिक्सचर बन गया है, तो मिक्सचर हमारा ऑलमोस्ट तैयार है, तो हम इसको एक बाउल में भी निकाल लेते हैं। ये देखिए मिक्सचर बनकर तैयार हो गया है, तो अभी आप होली पर आप इसको बना सकते हैं, और अगर आप इसमें कुछ और ऐड करना चाहें तो इसमें आप चना ऐड कर सकते हैं, जो फूटा हुआ चना आता है मार्केट में भुना हुआ, उसको डाल सकते हैं, और नारियल डाल सकते हैं आप तल के, थोड़ा सा सूखा नारियल जो आता है मार्केट में, मैं नहीं डाल रही हूँ, तो बच्चों को पसंद नहीं है इसलिए मैंने नहीं डाला है, तो आप इसमें 2 चीज़ें और ऐड कर सकते हैं, तो ये मिक्सचर और भी टेस्टी लगता है। और आप इसको और अच्छा बनाना चाहते हैं अगर, तो आप इसमें काजू और बादाम भी डाल सकते हैं तल के। थैंक यू फ्रेंड्स।